दोस्तों कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंडी पे में किसी बेनिफिशियरी को आप किस तरह से ऐड करिएगा, ऐड करने के बाद आप उससे कैसे पैसा ट्रांसफ़र करिएगा। क्योंकि दोस्तों अभी फ्रेंडी पे में न्यू अपडेट हुआ है, जिसके चलते बेनिफिशियरी को ऐड करने की जो प्रोसेस है थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो। ओके दोस्तों, मैं अभी आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फ्रेंडी पे में किसी बेनिफिशियरी को ऐड करके उसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी तरह का इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके तो मैं अपना फ्रेंडी पे जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। फिंगरप्रिंट, देखे यहाँ पर लिखा हुआ ऐड रिसीवर, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक अकाउंट पर क्लिक करें, जिस बैंक में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है उस बैंक का नेम आप सेलेक्ट करिए। जैसे मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो मैं यहाँ पर लिख के सर्च कर लेता हूँ। ओके ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक नेम इंटर करने के बाद आईएफएससी कोड यहाँ पर इंटर करें। अभी बैंक अकाउंट नंबर इंटर करें। अकाउंट नंबर लिखने के बाद पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र सेलेक्ट करें। आप यहां पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं यहां पर ये पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं। अभी नेक्स्ट पर क्लिक करें। जिसके नाम से अकाउंट है उनका नाम लिखें। नाम लिखने के बाद बेनिफिशियरी का नेशनलिटी चूज़ कर लीजिए, तो मैं इंडिया ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मैं इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेनिफिशियरी के साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है आप उसे सेलेक्ट करें। मैं फैमिली सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद बेनिफिशियरी का कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर इंटर कर दें। अब आप ओके पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप बेनिफिशियरी का फुल डिटेल्स चेक कर सकते हैं। डिटेल्स चेक करने के बाद सेव रिसीवर पर क्लिक कर दें। मेरा बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है लेकिन ये अभी पेंडिंग कंडीशन में है। आपके पास में भी इस तरह का फ्रेंडी पे की तरफ से कॉल आएगा, आपको कॉल रिसीव करना है। आपसे कहा जाएगा बेनिफिशियरी कंफर्म करने के लिए एक पर क्लिक करें, तो आपको एक पर क्लिक करना होगा। अभी आप पेज को एक बार रिफ्रेश करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा बेनिफिशियरी सक्सेसफुल ऐड हो गया है। अगर आप किसी बेनिफिशियरी को रिमूव करना चाहते हैं तो कॉर्नर पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, आप रिमूव पर क्लिक करके बेनिफिशियरी को रिमूव कर सकते हैं। अब चलते हैं होम पेज पर, रिसीवर पर क्लिक करता हूँ। ओके दोस्तों, मेरा यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड हो गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फ्रेंडी पे में बेनिफिशियरी को आप ऐड कर सकते हैं।